तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के न्यूली लॉन्च टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक लार्ज कैपेसिटी में नया टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेने का प्लान कर रहे हैं तो बॉश के इस न्यूली लॉन्च मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बॉश कंपनी का न्यूली लॉन्च मॉडल है 11 kg कैपेसिटी में। ये वॉशिंग मशीन बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी की है जो आती है एक्सपर्ट केयर प्रो सीरीज के अंदर। एंड बॉश की ये एक्सपर्ट केयर प्रो सीरीज सबसे टॉप सीरीज होती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट हीटर का फीचर भी देखने को मिलता है। तो 30 degree, 40 degree एंड 55 degree हॉट वाटर के अंदर आप इस वॉशिंग मशीन के अंदर वॉश कर सकते हैं। तो किसी भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर जब आपको इनबिल्ट हीटर का फीचर मिलता है तो उसके थ्रू आपको वॉशिंग के रिजल्ट्स और ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। इस वॉशिंग मशीन के फिनिशिंग की बात करें तो डार्क लेक फिनिशिंग के साथ ये वॉशिंग मशीन आता है। एंड बॉश की टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एकदम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है एंड इसका परफॉर्मेंस भी एकदम सुपीरियर रहता है। 680 स्पिनिंग स्पीड आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाती है। इस वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर है WOI-115B0IN। 5-star की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ ये वॉशिंग मशीन आता है, जिसके ऊपर इसका वाटर कंजम्पशन एंड पावर कंजम्पशन भी रिटर्न होता है। इस वॉशिंग मशीन का करंट MRP 48,490 का है। अप्रॉक्सीमेट 39,000 के आसपास आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेगा। बाकी इस वॉशिंग मशीन का परचेस लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको वहां से भी परचेस कर सकते हैं। रियर साइड कंट्रोल पैनल आपको इस वॉशिंग मशीन के ऊपर मिलेगा, जिसमें बीच में ये प्रोग्राम सिलेक्टर नॉब भी मिलता है प्रोग्रामिंग का सिलेक्शन करने के लिए। एंड उस प्रोग्रामिंग का सारा इन्फॉर्मेशन इसके डिस्प्ले पैनल के ऊपर शो होता है। एंड बॉश के इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल को अगर आप किसी अदर ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली इसका पैनल आपको बिगर मिलेगा एंड बेटर मिलेगा। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का कंट्रोल पैनल आपको किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। इस वॉशिंग मशीन के डोर के ऊपर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि इसका सॉफ्ट क्लोजिंग डोर का फीचर है। तो जब आप इस वॉशिंग मशीन के डोर को क्लोज करेंगे तो ये सॉफ्ट तरीके से क्लोज होता है, ताकि कोई एक्सीडेंटल इंजरी होने के चांसेस ना रहे। एंड इस वॉशिंग मशीन के बॉडी के ऊपर भी आपको लेवल इंडिकेटर का फीचर देखने को मिल जाता है। तो जब इस वॉशिंग मशीन को हम लोग कुछ समय तक यूज़ कर लेते हैं तो कई बार ये वॉशिंग मशीन फ्लोर पे अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस लेवल इंडिकेटर के फीचर की हेल्प से आप वॉशिंग मशीन के लेग्स को एडजस्ट करके आप इस वॉशिंग मशीन को अपने फ्लोर पे बैलेंस कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का ड्रम मिलेगा, जो कंपैरेटिवली काफ़ी बिगर है एंड वाइडर है। तो बॉश की टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम को अगर आप किसी अदर ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो बॉश की मशीन के अंदर आपको ड्रम बड़ा मिलेगा, वाइडर मिलेगा। एंड वॉशिंग मशीन का ड्रम जितना बड़ा होगा उसके अंदर कपड़े उतने अच्छे से रोटेट होंगे, तो वॉशिंग के क्वालिटी भी आपको हमेशा बेटर देखने को मिलेगी। एंड इसके ड्रम की सरफेस पे आप देखेंगे तो वेव ड्रॉपलेट डिज़ाइन आपको इसके ऊपर बने हुए मिलेंगे, जिसे बॉश कहता है वेरियो ड्रम डिज़ाइन, जिसके थ्रू आपको जेंटल एंड इंटेंसिव दोनों तरह की वॉशिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। वॉशिंग मशीन के पल्सेटर की बात करें तो एसिमेट्रिक पैडल डिज़ाइन आपको इसके पल्सेटर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे एक साइड से फ्लैट है और एक साइड से स्लोप है। सेम पैडल डिज़ाइन आपको बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर भी मिल जाता है। इसी के साथ ये 3 cam इंपेलर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर आपको अप डाउन मूवमेंट्स भी देखने को मिलेगा। एंड बॉटम साइड में स्क्रब पैड्स भी देखने को मिलेंगे, जिनके थ्रू आपके कपड़ों में अच्छी तरीके से स्क्रबिंग हो जाता है। तो इस वेरियो ड्रम डिज़ाइन, एसिमेट्रिक पैडल, 3 cam इंपेलर्स एंड स्क्रब पैड, इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपको एकदम वॉशिंग के रिजल्ट्स बेस्ट देखने को मिलेंगे। एंड ये इसके ड्रम के ऊपर इसका लिंट फिल्टर मिलता है, तो वॉशिंग करते हुए जितना भी लिंट आपके कपड़ों से निकलता है वो इस फिल्टर के अंदर आके कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप इजीली निकाल के इसमें से लिंट को क्लीन करके आप वापस इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको वेरियो इन्वर्टर मोटर देखने को मिलता है, जो कि एक वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। एंड ये मोटर काफ़ी पावरफुल है, ड्यूरेबल है, क्वाइट है और एनर्जी एफिशिएंट है। तो बहुत हाई क्वालिटी का मोटर बॉश अपनी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में यूज़ करता है। इसीलिए इस वॉशिंग मशीन के अंदर नॉइस लेवल की बात करें तो वॉशिंग के टाइम पे 65 decibel एंड स्पिनिंग के टाइम पे 75 decibel रहता है। एंड इस वॉशिंग मशीन की मोबिलिटी की बात करें तो बैक साइड में आपको 2 handles मिल जाते हैं एंड वॉशिंग मशीन के बॉटम साइड में आपको 2 wheels देखने को मिलेंगे। तो इन हैंडल्स की मदद से आप इस वॉशिंग मशीन को हल्का सा टिल्ट करके आप एक जगह से दूसरी जगह आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। एंड ये वॉशिंग मशीन आती है 2 year की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ एंड 10 year का वारंटी इसकी वेरियो इन्वर्टर मोटर के ऊपर मिल जाता है। एंड बॉश की टॉप लोड वॉशिंग मशीन को हम लोग कैसे ऑपरेट एंड यूज़ करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ऊपर आई बटन पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस कंप्लीट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो
तो उस वीडियो के अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे हम लोग इस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं। सो ओवरऑल इस वॉशिंग मशीन का डिज़ाइन, इसका बिल्ड क्वालिटी एंड का परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट है। तो अगर लार्ज कैपेसिटी में एक वॉशिंग मशीन आप अपनी फैमिली के लिए परचेस करना चाहते हैं तो इस वाले मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हैं।